हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप पीसी में तो अपने वाईफाई नेटवर्क को जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को फुल टाइम वॉच करिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे चैनल से जुड़े जितने भी अपडेट हो लेटेस्ट वो सभी आपको मिलता रहे। मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए गाइस, आज हम जान लेते हैं कि कैसे अपने एक लैपटॉप डेस्कटॉप लैपटॉप पीसी में आप अपने लैपटॉप में कैसे वाईफाई नेटवर्क को जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उसमें पासवर्ड रखकर और इंटरनेट का नाम रखकर आप अपने वाईफाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप में। तो चलिए हम जान लेते हैं। उसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, वो फाइनली आप सेटिंग में ही होता है। जब आप फर्स्ट लैपटॉप किनते हो तो आपको पता नहीं होता है, अगर आप लैपटॉप है आपके पास, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसमें वाईफाई कैसे चलाए लैपटॉप में, तो आज इस वीडियो को देखकर आप पूरा क्लियर हो जाएगा, आप पूरा क्लियर हो जाएंगे और चलाना आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको वाईफाई का आइकन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। अगर आपके लैपटॉप में वाईफाई का आइकन नहीं दिख रहा है कहीं पर तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो वाईफाई। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा वाईफाई सेटिंग, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो ओपन। और अगर आपके यहाँ पर वाईफाई शो हो रहा है तो इसमें क्लिक करना है, इसमें। और एक ऑप्शन और आता है, अगर यहाँ पर आपको ये आइकन नहीं दिख रहा है तो इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं, करके यहाँ पर ब्लूटूथ है, पावर सॉफ्ट एप्लीकेशन है, ये K7 टोटल सिक्योरिटी है, ये क्या क्या है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपलोड सेंटर है। और यहाँ पर भी वाईफाई का ऑप्शन भी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर अगर नहीं होगा तो आप ऐसे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर आप ला सकते हो। तो चलिए गाइस, अब हम जान लेते हैं कि कैसे वाईफाई कनेक्ट होता है और अब हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पर वाईफाई हैकर्स है, अगर यहाँ पर आपका वाईफाई का नेम नहीं आता है तो हिडन नेटवर्क में आपको क्लिक करना है और ऐसे करना है यहाँ पर हिडन नेटवर्क, यहाँ पर जो नेटवर्क है आपका उसमें यहाँ पर आपको इंटर द नेम SSID फॉर द इंटरनेट, यहाँ पर वाईफाई का नाम रखना पड़ता है WIFI, यहाँ पर हमारा वाईफाई का नाम है वाईफाई और हैकर्स HACKERS। देखिए यहाँ पर क्लिक हो, सॉरी, वाईफाई का नाम मैंने लिख दिया है और यहाँ पर इंटर द नेटवर्क सिक्योरिटी क्या आ जाता है, पासवर्ड यहाँ पर लगाना होता है। तो हमारे वाईफाई का पासवर्ड क्या है, आई थिंक गवर्नमेंट GOVERNMENT। देखिए यहाँ पर पासवर्ड रख दिया मैंने और यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है आपको। यस, यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है फाइनली। देखिए यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जब वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा तो वाईफाई हैकर्स आपका जो भी आपके इंटरनेट का नाम हो वाईफाई का और इंटरनेट एक्सेस रहेगा तो ये चलेगा, इंटरनेट नॉट सिक्योरिड रहेगा तो वाईफाई सिग्नल नहीं रहेगा। यहाँ पर कनेक्टेड सिक्योरिड है तो यहाँ पर सिग्नल है। और तो देखिए गाइज, आपको हम प्रूफ दे देते हैं क्रोम ब्राउजर ओपन करके। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है, अभी यहाँ पर कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, जैसे आई थिंक यूट्यूब ही खोल लेते हैं। चलिए ओपन करके देख लेते हैं ये नेटवर्क चल रहा है या नहीं। देखिए ये नेटवर्क फाइनली वर्क कर रहा है, पूरा क्लियरली, कोई डाउट नहीं है, पूरा वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर फुल आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप कोई वीडियो भी चला कर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसरो एक बहुत ही बड़ा खतरनाक। देन गाइज, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। हम ऐसे इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, कंप्यूटर मोबाइल के रिलेटेड, इंटरनेट नेटवर्क कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल के रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।